दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से असम के अंदर में बच्चे चोरी होने की घटनाएं जो है वो बार बार रिपोर्ट की जा रही थी। स्पेशली ट्राइबल एरिया से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें मुझे ये बताया जा रहा था कि ट्राइबल एरिया से जो है वो बच्चे गायब हो रहे हैं। और अभी लेटेस्ट वीडियो मेरे हाथ में लगा है जिसमें जो है वो बच्चा चोर पकड़ा जाता है और उस बच्चा चोर के साथ जो होता है ना भाई, वो एक सबक है सारे लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, साथ साथ उस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई, अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग्स देखना तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसे रिपोर्ट्स मिल रहे थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि जो असम के ट्राइबल एरियाज है, जैसा कि मिसिंग एरिया जो है, वहां से कुछ बच्चों को, छोटे छोटे जो नवजात बच्चे हैं उनको उठाया जा रहा था, उनको चोरी किया जा रहा था और उन बच्चों का कोई आता पता नहीं था। लेकिन लेटेस्ट खबर के अनुसार, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार भाई, जो बच्चा चोर था, एक बच्चा चोर, उसे पकड़ लिया गया है और रंगे हाथों बच्चे के साथ पकड़ा गया है। और उसके बाद उसके साथ जो घटना घटी है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो लोगों के लिए एक सबक है, आप इस वीडियो को देखिए कि वो बच्चा चोर क्या कह रहा है और उसके बाद मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसकी बातें तो आपने सुनी ली होगी लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो इससे पूछा जा रहा है कि आखिरकार तुमने वो बच्चे को क्यों उठाया। तो ये जो कह रहा था कि मुझे उसको गोदी में लेने का मन था इसलिए मैंने उठाया, और गोदी में लेने का मन था इसका मतलब ये, उसको उठा करके गोदी में लेने के बाद उसकी माँ को वापस कर देता या वहां पर छोड़ देता तो अलग बात था, लेकिन ये उस बच्चे को उठा करके जा रहा था। जिसकी वजह से क्या होता है, वहां के लोग जो है वो इसको घेर के पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसके साथ पहले तो थोड़ा बातचीत किया जाता है, इसे सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद भाई, हर चोर के साथ जो होता है ना वही इसके साथ भी होता है, मतलब कि इसकी पिटाई। और पिटाई जो है ना वो इतने बुरी तरीके से होती है कि इस बंदे का मौत ही हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है क्योंकि लोगों को जो कानून है उसको कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जो ये बंदा था जिसकी बातें मैं सुन रहा था, इसकी आंखों को देख करके, इसके बोलने के तरीका जो था उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको थोड़ा सा मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि ये मेंटली इल है, मेंटली रिटार्डेड है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। नहीं भी हो सकता है, देखिए गाइस, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं कि मैं बता दूं कि वो मेंटली इल था। वो तो अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते, डॉक्टर चेकअप करते तभी वो बता सकते थे, लेकिन अब चेकअप करने के लिए वो बंदा जिंदा ही नहीं है। उस बंदे के साथ मारपीट होती है, उसे लोग पीटते हैं और जाहिर सी बात है जब इस तरीके की घटना होगी तो लोग आग बबूला होंगे और लोग पीटेंगे जरूर। लेकिन भाई, मेरा ये कहना है कि इस तरह से जो किसी को पीटना है ना वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसको इतनी बुरी तरीके से, देखिए पीटना चाहिए था आपको, अगर पीटने का आपको आपकी भी, देखिए जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि बच्चे चोरी हो रहे हैं और एक बच्चे जो, एक इंसान जो है जिसके हाथों में किसी और का बच्चा था वो उसे चुरा करके लेके जा रहा था, जब ऐसा लोगों को पता चलता है तो जाहिर सी बात है गुस्सा आता है और ऐसे में मारपीट भी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मारपीट किया भी जाता तो इसको इस तरीके से मारा जाता लेकिन कुछ इस तरीके से मारा जाता कि इसको थोड़ी बहुत चोटें आती और उसके बाद पुलिस के हाथ में इसको थमा दिया जाता। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस बंदे की मौत हो जाती है पिटाई में, इसको इतना पीटा जाता है कि इसकी मौत ही हो जाती है। तो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। देखिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो
बंदा मेंटली रिटार्डेड था, अगर उस बंदे में कुछ प्रॉब्लम था तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उसे मार मार कर मारने की जरूरत नहीं थी, तो उसे पहले डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए था और पुलिस को बुला करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता तो ज्यादा बेटर था। और भाई बहुत सारे लोग पुलिस के हवाले करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो पुलिस है ना उनकी अक्सर हमने कहानियां किससे सुनी है, हर कोई नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं पैसे के लिए ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और ये दोबारा से इस तरीके की हरकत करते हैं। तो लोगों में ये गुस्सा तो जाहिर सी बात है आएगा और लोग ये जरूर सोचेंगे कि कहीं पुलिस इसको दोबारा से छोड़ दे और दोबारा से जो बच्चे हैं वो चुराने ना लग जाए, इसलिए लोगों ने इसके साथ मारपीट की। लेकिन मारपीट करना बहुत ही ज़्यादा गलत था, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सजा देने की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेकर के इस बंदे को मार डाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी देखिए, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कभी इस तरीके की घटना आपके सामने हो जाती है जहाँ पर क्या होता है कोई चोर पकड़ा जाता है या फिर किसी और टाइप का क्राइम करने वाला अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे प्लीज़ मारपीट करके मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे बुला करके पुलिस को बुला करके पुलिस के हाथों में थमाने की ज़रूरत है गाइस। तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा दुख लगा जब मैंने इस बंदे की मौत की खबर सुनी। तो गाइस यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो इस बारे में जरूर बताइएगा, क्या आप मेरी बात से सहमत हो इस बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।